हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैटेक पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार, जो कि अभी देखिए हाल फिलहाल में, चूंकि अपने इस चैनल से जो मैक्सिमम बच्चे जुड़े हुए हैं वो टेक्निकल क्षेत्र के बच्चे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया जाए। चूंकि अभी BCCLE 2023 का सेकेंड काउंसलिंग का आया, जिसमें से बहुत सारे बच्चे का जो है कि नाम आया, सिलेक्टेड हुआ, या जो जिन लोगों का जो कॉलेज मिला, अब तो कल यानी कि कल 28 तारीख है, 28-29 जो है कि उन लोगों को एडमिशन करा के पूरा तरीके से डन हो जाना है। लेकिन यहाँ पर बात अब फंस रही है, जो लोग एडमिशन करवा लेंगे उन लोगों की कोई बातें नहीं है, उन लोगों के बारे में जो है कि सभी लोग सोचते हैं, सब लोग सोचेंगे चलो वाह कितना अच्छा है, डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करने के बाद बीटेक में सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के बाद एडमिशन फिर से जो है कि वह अच्छा कर रहा है। लेकिन वैसे बच्चे के साथ में अब दिक्कतें आने वाली है, जो लोग का डिप्लोमा क्लियर हो गया, डिप्लोमा क्लियर होने के बाद बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, और उनका सहयोग बस जो है किसी कारण बस जो है कि सिलेक्टेड नहीं हो पाया, तो उनको जो है कि क्या ताना सुनने के लिए मिल सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेटेज दिए गए हैं, जो कि अमित भराना जो है कि बहुत ही बढ़िया यूट्यूबर हैं, उनके द्वारा एक क्वेटेज दिया गया था, SSC उनका सीरीज आया था, तो उसमें कहा गया था असफलता के 100 दुश्मन होते हैं और सफलता के 100 रिश्तेदार। इसलिए कहा गया है, क्या कहे थे, असफलता के 100 दुश्मन होते हैं और सफलता के 100 रिश्तेदार। इसलिए भैया जिंदगी में जो है ना कुछ सफल कर लीजिएगा, सफल हो जाइएगा तो कहीं ना कहीं जो है कि वही लोग, जो लोग आपकी बुराई करेंगे वही आपकी बड़ाई करेंगे। तो इसी पर जो है कि एक बहुत ही शानदार यानी कि IOCL, जो कि आप इसका फुल फॉर्म जानते होंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसके द्वारा जो है कि आपको अप्रेंटिस, देखिएगा कि अब जो सिलेक्शन जो डायरेक्टली बहाली जो आता है ना वो बहुत ही कम देखने के लिए, IOCL सब में अप्रेंटिस जो लोग कर लेते हैं, अप्रेंटिस करने के बाद वैकेंसी आती है, जैसे NTPC अप्रेंटिस निकालता है, या बहुत सारे रेलवे वगैरह क्या करते हैं, अप्रेंटिस निकालते हैं, जो लोग अप्रेंटिस किए हुए रहते हैं तो कुछ फॉर्म ऐसा आता है जिसमें कि अप्रेंटिस वालों को छूट मिल जाता है। तो उसी तरीके से अप्रेंटिस का जो है कि टोटल पोस्ट आया है 1720 पोस्ट आया है, यह इंडियन ऑयल IOCL रिफाइनरी डिवीजन अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट है, यानी कि रिफाइनरी, रिफाइनरी का मतलब तो समझ रहे हैं, जहां पर केमिकल वगैरह यानी पेट्रोल डीजल पंप जितना भी है ये सारा इसका वर्क होता होगा। तो इसमें जो है कि आपको एप्लीकेशन जो है कि स्टार्ट कब होना है, आपका एप्लीकेशन जो है कि 21 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो गया है और इसका भरने का लास्ट डेट जो है कि वह 20 नवंबर 2023 रखा गया है, यानी कि अप टू 5 PM ओनली। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर आपको भरना है तो जल्दी क्या मतलब साइट शुरू हो गया शुरुआत में भर लीजिए, क्योंकि IOCL में ये होता है कि आपको जो भी इसका जो है कि नोटिफिकेशन जो है कि अच्छे से डाउनलोड करके एक एक चीज पढ़ लीजिएगा, कोई भी कितना भी बता दे लेकिन आप नोटिफिकेशन खुद से पढ़िएगा, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद क्या क्या मांगा जा रहा सारा चीज को अच्छे से फुल फिल करके तब जाके दीजिएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपके साथ में बहुत ही अच्छा चीज होने वाला है। क्या होने वाला है कि इसका देखिए एग्जाम डेट भी दे दिया, एग्जाम डेट जो है कि वह 3 दिसंबर 2023 रखा गया है, एडमिट कार्ड आपको 27 नवंबर को ही आ जाएगा और रिजल्ट जो इसका डिक्लेयर होना है वह 13 दिसंबर 2023 को रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद जो है कि आपको अप्रेंटिस करने के लिए जो है कि तुरंत चल जाइएगा। ऐसा नहीं है, तो देखिए ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब जो है कि आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट ये मिल जाएगा कि अभी एक साल आप बैठे रहिएगा, माने कि अगला साल BCCLE दीजिएगा या कोई भी और चीज की तैयारी कीजिएगा, तो उससे बढ़िया है कि अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं अगर आप इसके थ्रू जाते हैं तो कहीं ना कहीं 10,000 रुपए से जो है कि मंथली आपको जरूर मिल जाएगा। तो इसका मिनिमम एज जो है कि 18 साल दिया गया है और मैक्सिमम एज है 24 साल। तो हम सिर्फ बातें करेंगे टेक्निकल क्षेत्र के, यानी कि मैकेनिकल का जो है कि जो लोग डिप्लोमा किए हुए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, उन लोगों का 169 पोस्ट है, जो लोग इलेक्ट्रिकल से किए हुए हैं उनके लिए 244 है, जबकि जो लोग केमिकल इंजीनियरिंग से किए हैं उन लोगों के लिए 345 है। उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है आपका, क्या कहते हैं, जो 10+2 की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी बहुत सारे पोस्ट हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है कि हम सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए हैं कि अब बैठने से अच्छा है कि घर वालों का या पड़ोसियों का ताना सुनने से अच्छा है कि आप जो है कि जिन लोगों का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल या जो भी ब्रांच है उसमें आप एप्लीकेबल है तो उसको जो है कि अप्रेंटिस वालों को डाल दीजिए। क्योंकि ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि हमारा दोस्त जो है ना कि एक दो ऐसे लोग हैं
जिन्होंने अप्रेंटिस IOCL का जो है कि फॉर्म भरा, एक साल उन्होंने जो है कि डिप्लोमा क्लियर होने के बाद जो है कि IOCL में जो है कि अप्रेंटिस पूरा किया। पूरा करने के दरमियान ही उन लोगों का डिपार्टमेंटल में जो है कि फॉर्म आया, फॉर्म में जिसमें लिखा गया था अप्रेंटिस जो लोग किए हुए सिर्फ अप्रेंटिस किया हुआ था भरा, और जो है कि चूंकि देखिए वहां से भीड़ बहुत ही कम हो जाता है और अच्छे तरीके से जो है कि आपका जॉब हो जाता है, लोग सोचते रहेंगे और आप जो है कि अंदर अंदर आपका नौकरी भी हो जाएगा। ऐसा जो है कि देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी बच्चे हैं, वो NTPC में जो है कि अप्रेंटिस हुआ, अप्रेंटिस होने के बाद अंदर से फॉर्म आया और फॉर्म आने के बाद जब वो NTPC में परमानेंट भी हो गए, तो ऐसा चीज होते रहता है। इसलिए फ्री मत बैठिए। और जिन लोगों का जैसे मानिए कि किन्हीं का सिविल है, अलग अलग ब्रांच है, तो NATS, ठीक है, NATS हो गया नेशनल अप्रेंटिस वाला जो होता है, जो जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है कि नेट्स करवाते हैं, तो फ्री मत बैठिए जो है कि यहाँ इस सब का फायदा है, तो फायदा लाभ उठाइए। 10,000 पर मंथ मानिए आप लोगों को मिल ही जाएगा, तो इस सारा चीज पे वर्क कीजिए। बाकी अगर आप लोगों का सब चीज ठीक ठाक है तो आप जाके कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा लेट मत कीजिएगा। लेट कहने का मतलब ये हो गया क्योंकि देखिए कि तैयारी लोग जो है कि बहुत दिनों से कर रहे हैं, माने जो लोग 2019 से तैयारी कर रहे हैं, RRBE हो गया, ALP का हो गया, JEE का हो गया, तो कहीं ना कहीं अगर आप सोचेगा वैकेंसी आएगा तब तैयारी करेंगे, तब भैया आप पिछड़ जाइएगा। किसी भी पौधे को बड़ा होने में, परिपक्व होने में, फल देने में क्या होता है, उसे हम लोगों को रोपना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, तब जाके धीरे 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 करके बहुत सारा समय होता, तब जाके वो फल देने के लायक होता है। इसलिए भैया जो है कि आप लोग अभी से ही लग जाइए। और आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी बताए थे कि फिर से जो है कि जिस तरीके से हम लोग 7 बजे से लाइव क्लासेस आते थे, लेकिन डायमंड ननटेक चैनल पे उसका लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और जल्द से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए हम जो है कि जनरल साइंस, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के लिए, सिलसिलेवार ढंग से जो है कि बिल्कुल NCERT बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में कोशिश करेंगे कि नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि हमने एग्जाम भी दिया। और मेन फोकस हमारा रहेगा कि प्रीवियस ईयर को साथ लेकर चलना, चाहे वो आपका BSSC का हो, SSC CGL का हो, CPO का हो, क्या कहते हैं CHSL का हो, LDC का हो, MTS का, जितना भी ओरिजिनल क्वेश्चन से रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। और मैक्सिमम हम लोगों का फोकस होगा ALP, RRB, JEE का फोकस होगा। तो सारा कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिएगा जिसमें जनरल साइंस हो, ये सारा चीज पूछा जाता है, तो कहना कहीं आपको पिछड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप जो है कि एक ईमानदारी पूर्वक आना है आपको, और 7 बजे से लाइव हम क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जवाब देना है, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, उस एग्जाम को कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए कितना एप्लीकेबल है, कितना मेहनत की जरूरतें हैं, सारी चीज जो है कि हम बताते चलेंगे। बाकी आपको ये वीडियो को अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं किसी शानदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।